ये कहानी मेरे अकेले की नहीं है, ये कहानी हर उस पबजी प्लेयर की है जिसने ये गेम फर्स्ट टाइम खेली होगी। ये दिन भी मेरा आम दिनों की तरह था जिस दिन ये गेम मेरी लाइफ में आई। अब मैं लाकर खेलनी तो थी, इंस्टॉल की, इंस्टॉल करके जैसी मैंने प्ले की तो एकदम ब्लैक स्क्रीन, म्यूजिक चल रहा है बैकग्राउंड में, अभी चला नहीं सकता कॉपीराइट का इशू है, म्यूजिक चल रहा है बैकग्राउंड में, भाई की एक्साइटमेंट बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है और अचानक स्क्रीन आती है मेरे जहाज के अंदर। तो जब मैं जहाज के अंदर था इतने सारे शहर और ये शहरों के नाम अजीब अजीब थे, किसी का नाम पोचंगी तो किसी का नाम जोजोफुल तो किसी का नाम कुछ तो किसी का नाम कुछ। अब मैं खेल रहा था सोलो, मुझे नहीं पता था ये पोचंकी में क्या होता है जोजोपुर में क्या होता है, मुझे जिस जगह पे आबादी ज़्यादा दिखी और समझ में आया मैं कूद गया। अब आपका भाई वहाँ कूदा, दो बातें आपके भाई को बता दी, इस गेम के अंदर खाली बच बच के खेलो और जितना माल मंडी मिले लूट लो, क्योंकि अपन तो है पाकिस्तानी, लूटना तो पाकिस्तानियों का काम ही है, तो हमें जो मिल रहा था हम लूट रहे थे। जब मैंने लूटना स्टार्ट किया, एक गन तो मुझे अपने बाप के भी बाप के ज़माने की मिली और एक गन मुझे सही मिली। अब देखो गन्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं क्योंकि मैंने खाली खेली थी काउंटर स्ट्राइक और उसमें मुझे खाली एक ही गन हर दफ़ा पसंद मिलता था और मुझे पसंद भी थी, वो थी M416। हाँ ये थी, तो अब वो गन मुझे यहाँ पर मिली नहीं था कि जो गन मिली जिसका मुझे नहीं पता था ये कैसी है क्या है क्यों है, बट थी। अब इतने में मैं इतना अच्छा सामान लूट ही रहा था कि अचानक से मुझे आती आवाज़ चल रही, मुझे नहीं पता कौन आ रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहा है। हम वो प्रो प्लेयर नहीं है जो मैप में देख के बोलेंगे या वॉइस सुनेंगे कि इस कान से आवाज़ आ रही तो यहाँ से आ रहा है, नहीं 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 हम एकदम मस्त लूट रहे। इतने में बाहर निकले और सामने से अब हद होती है, इसने तो आते साथ हमारे पे चढ़ाई कर दी, तो क्या हमने चूड़ियाँ पहनी हुई थी, हमने चूड़ियाँ पहनी हुई, नहीं भाई हमने भी घुसे हुए, तो कैसे बोलते हैं ठोक दूंगा ठोक दिया।
लूट ही लेते, तो लूटते लूटते हमें गन मिली कार 98। अब कहते हैं ना देने वाला जब भी देते देते छप्पड़ फाड़ के मिल गई। अब इस गन के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर मैंने पबजी प्लेयर्स को सुनते हुए देखा था, भाई कार 98 मिले तो देखियो, भाई कार 98 मिले तो देखियो। अब हमें तो नहीं पता ये गन का क्या कमाल है, पर हमने ले ली, कौन सा पैसे देने थे, फ्री की मिल ली, ले। देखा देखा कैसे आपके भाई ने दूसरे बंदे को भी टपका दिया। अब देखो मैंने बहुत सारों को सुनते देखे कि यार शुरू में तो बोर्ड आते, अबे यार अब अचानक दूसरा बंदा आ रहा है वो भी छुप छुप के, अब वो क्या बोर्ड होगा, बोर्ड को भी इतना पता है कि उसने छुप के आने से हमारे सामने नहीं ना, हमने दो बंदे मारे, यहाँ से फीलिंग जाग गई भाई कि तू जीतेगा, तू ये गेम जीतेगा, अंदर से फीलिंग्स आ रही थी। तो अब तो हमने खेलना था, हमने बोला ये गेम का एंड करके हम छोड़ेंगे, वो क्या कहते हैं विनर विनर चिकन डिनर तो हम करेंगे, कुछ भी हो जाए हम करेंगे। तो जैसे ही मैं आगे निकलने लगा तो उतने में पीछे से गन की आवाज़ आती है फायर करने की। अब दो बंदों को मार चुके थे, अब जब दो बंदों को मारने के बाद हमारा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था, हमने बोला हम जाएंगे और ये जो फायर कर रहा है इसको भी मार के आए, हम अपने किल्स बढ़ाएंगे, हम दिखाएंगे लोगों को कि भाई हम भी बन सकते हैं। Thank you.
किया आपने? मैंने कैसे दो बंदों को और टपका लिया। अब नीचे कमेंट्स में कर देना भाई आप तो प्रो। ये कमेंट मैं देखना चाहता हूँ, दिल से खुशी होगी। और इंस्टाग्राम पे स्टोरी तो मैं लगा ही रहा हूँ कमेंट्स की, तो अपने कमेंट्स की स्टोरी इंस्टाग्राम पे देख लेना। और इंस्टाग्राम का अकाउंट जैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू नीचे। भाई मैंने गाड़ी ब्लास्ट कर दी, मुझे लग गया कि उसकी आग से वो बंदा सुलग के मर जाएगा, पर ये तो उसने सरप्राइज कर दिया। चलो खैर है, अगर गेम अच्छी लगे और स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट करके लाजमी बताना। बकाया लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और गेमर्स सारे भूलते हैं, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और
वीडियो में यही खत्म करते, देखते हैं सुनते कानों को भाई खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करो और बताओ पबजी की वीडियो और चाहिए किस तरीके की, कि दूसरे तरीके की चाहिए, एक तरीका और भी है।